Assalamu alaikum, konnichiwa, hello. This is Sayyed Arif Hussain, aur kafi dino ke baad aaj main ek vlog bana raha hu. Actually pichle kuch din jo the was quite busy, so bahut sari cheeze yahan pe chal rahi thi, to main is waqt live jo hu wo Japan se, aur aaj Pakistan ke liye ek bahut khushi ka din hai. I hope kis tarah ki khushkhabriyan hame har maidan mein milti rahengi, but aaj jo hai wo khel ke maidan se पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी जो रात पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया है, नॉट जस्ट ना कि हराया है बल्कि एक कन्विंसिंग विक्ट्री, लाइक 10 विकेट्स से जीतना और 17वें ओवर में या 18वें ओवर में रन्स चेज करना, और वो भी इंडिया के खिलाफ. इंडिया जो कि एक रिनाउंड क्रिकेट नेशन है, और जब क्रिकेट की बात आती है तो इंडिया डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा रोल है और बहुत अच्छी टीम है. बट पाकिस्तान जो है वो रात जिस तरह वो खेले हैं, जो उनका एटीट्यूड था, जो जिस तरह यानी लग रहा था, आप अगर स्टार्ट से देखें शाहीन शाफरीदी की पहली बॉल से या दूसरी बॉल जब शर्मा को आउट किया उससे ऑनवर्ड आप देखें तो पूरे मैच में ही पाकिस्तान का जो है वो ग्रिप नज़र आती थी आपको. किसी भी पॉइंट पर आपको नहीं लगा होगा कि पाकिस्तान ने कोई ग्रिप लूज़ की है. सो दिस वॉज द थिंग एक्चुअली जो डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं. सो एक अच्छी न्यूज़ है, और मेरी दुआ है कि इस तरह की खबरें हमें हर मैदान में मिलेंगी. और इंडियन जो हमारे दोस्त हैं, डेफिनेटली मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी. इंडियन मीडिया इससे दो चार हाथ आगे चला जाता है हमेशा जब भी इंडियन मीडिया चलता है, बट इसको एज अ मैच लेना चाहिए हमें. और आगे इंडिया के भी मैच हैं, पाकिस्तान के भी मैच हैं, और आई होप कि दोनों टीमें अच्छा खेलें. और मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अगेन पाकिस्तान और इंडिया एक दो फाइनल में दोबारा आएँ और आमने सामने आकर खेलें, और इस तरह के मैचेस और भी होने चाहिए. कल मुझे बहुत सारी अच्छी जो सीन नज़र आए हैं, जब टॉस के वक्त बाबर आजम और विराट कोहली आपस में मिले हैं, या जब एंड पे विराट कोहली ने बहुत अच्छे अंदाज में मुबारकबाद दी रिजवान को, तो ये सारे ग्रेट चीज़ हैं. और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत सारे अब काफ़ी अर्से से जापान में हूँ, तो मेरे बहुत सारे यहाँ इंडियन फ्रेंड्स हैं जो कि मल्टीपल जगहों से इंडिया के हैं, और यकीन करें हमें कभी फील नहीं हुआ यहाँ पर उनसे बात करते हुए. उनके साथ हमारी डिस्कशंस होती हैं, हम इकट्ठे बैठ कर खाते हैं. सो आएँ ज़रा नफ़रतों को कम करें. मीडिया और इस तरह के जो बेसिकली इन चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा, जो कॉमन कभी आप किसी पाकिस्तानी से मिलेंगे या कॉमन इंडियन से मिलेंगे, तो हमारे मसाइल एक जैसे हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं हमारे अंदर. तो आई होप कि पाकिस्तान इस जो विनिंग मोमेंटम है इसको कंटिन्यू रखेगा, और नेक्स्ट मैचेस पाकिस्तान के काफ़ी अहम हैं, और पाकिस्तान भी जीतेगा, और आई होप के हम इंशाल्लाह ये कप जीत कराएंगे. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.